जय हिंद, वेलकम टू बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान पटना। जैसे कि साथियों, आज हम और अवैध सर एक फिर से आए हैं ग्रुप डी के मुद्दे पे बात करने की, उसका रिजल्ट कब आएगी और कितने नंबर पे कट ऑफ रहेगा। नहीं सर, जय हिंद। जैसे कि सर ने बताया, ग्रुप डी जो ग्रुप डी है वो 3,10,000 समथिंग रिजल्ट देने वाला है। वो कब रिजल्ट देने वाला है, आप सभी इतना दिन से बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसका जो घड़ी है वो बहुत नज़दीक है। हम आप सभी को चिंता इसलिए सता रही है कि आप लोग हम लोग को आकर परेशानी में डालते हैं कि भैया ये हम लोग रनिंग नहीं हो पाता है, रनिंग कैसे करें। 20 से 25 दिन में आप लोग कैसे रनिंग कीजिएगा। सबसे अभी से जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस में लग जाइए, और आने वाला जो 6 तारीख है, 6 तारीख में आपको, मेरे ख्याल से आप 6 तारीख आप सभी का रिजल्ट आएगा, 6 को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको जनवरी में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप लोग एक महाधार में फंस सकते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा। अभी भी आप लोग महाधार में ही हैं कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको एक महीना विधिन समय मिलेगा, उसमें आपसे रनिंग नहीं हो पाएगा। ये हम बहुत लोग ऐसा है जिसका रनिंग नहीं हो पाएगा, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, और आप सभी का चिंता इसलिए सता रहा है कि आप लोग आखिरी समय में आते हैं और निराश होकर जाते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचाती है। तो इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन यह है कि आप सभी अपना फिजिकल में लगिए, आप अपने रणनीति बनाइए कि हमारा अगर 50 नंबर से भी, हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, एकदम 100% सही बोल रहे हैं, 50 नंबर से ऊपर जिसका आ रहा है किसी भी जोन में, वो अपना प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप पीछे उस रेस में पीछे हो जाइए जो कि बाकी लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं, उस रेस में पीछे मत हो। रेल का डिब्बा कभी नहीं बनना है, हमेशा कोशिश करना है कि रेल का आगे का इंजन बनना है, आगे की तरफ रुक करके चलना है। ये नहीं कि पीछे पीछे जा रहे हैं, जो कोई सामने वाला बोल रहा है उसके बात को सुन के उसी दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। अपने मन और दिमाग को सुनिए और अपने आप पर यकीन कीजिए कि हम ये कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट 100% होगा। कोई भी क्षेत्र हो, आप अगर अपने आप पर ठान लीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% होगा। रही बात फिजिकल का, तो फिजिकल में थोड़ा आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो किसी ना किसी एक दूसरे गाइडेंस से रनिंग होता है। ऐसा नहीं कि अकेले आपका रनिंग हो जाएगा, एक दूसरे से आप जब झुंड में चलते हैं तो आपका नहीं होगा तो भी आपको लेके सामने वाला जाएगा और आपका रनिंग कराएगा। क्या सर, और लास्ट 20 दिन में भी सुन रहे हैं कि 6 तारीख को रिजल्ट आने की संभावना है, तो आने में भी लगता है 20 से 25 दिन फिजिकल का टाइम देगा, उसमें भी बच्चा जितना मेहनत करेगा उस पर डिपेंड है, क्योंकि 20 दिन में पॉसिबल ही नहीं कि आप एक बैग आकर रनिंग कर लीजिएगा। 20 दिन में तो एंड्योरेंस बनाने में 5-7 दिन लग जाएगा, उसके बाद एंकल पकड़ेगा। वही ना होता है कि जब कम समय बचता है तो लोग हावी होते हैं कि नहीं हमारा करा दीजिए, हमारा करा, भैया कैसे हो, तो भैया के पास कोई जन्म गुटी नहीं है कि आप पिला देंगे तो आप लोग दौड़ लीजिएगा, वो भी मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई से ज्यादा टफ है। आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके होगा। ऐसा नहीं कि हम दौड़ रहे हैं तो क्या आपके बदौलत हम दौड़ जाएंगे, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपके साथ रनिंग कर सकते हैं, आपको स्टेप बता सकते हैं कैसे रनिंग करना है, वो भी 0 से 45 डिग्री पहुंचना है रनिंग के लिए, तब जाके आपका रनिंग उस लेवल पर होगा कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी हमारे संस्थान से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, इसे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। और एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग कराने जा रहे हैं 10 तारीख को गांधी मैदान पटना, सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 8 बजे रनिंग शुरू हो जाएगा। इसका जो भी क्राइटेरिया है हम अपने कम्युनिटी में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, और सभी एक दूसरे को शेयर कीजिए और सभी लोग आइए, पूरे भारत से भी लोग आइए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगिता है, इसमें आपको एक प्राइज भी, अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा, किसी अच्छे ऑफिसर द्वारा किसी द्वारा मिलेगा, तो आप सभी लोग इस इवेंट का भागीदारी बने, अपना हुनर दिखाइए 1600 मीटर में, जिसका अच्छा आएगा उसको अच्छा गिफ्ट मिलेगा। जय हिंद।